गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम इन एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस। आज अपनी थर्ड क्लास की इंग्लिश क्लास में करेंगे नाम। स्टूडेंट्स, हम नाम कर चुके हैं, अब कर रहे हैं आज हम इसी कर रहे हैं रिवीजन। हमारा सिलेबस कंप्लीट है इसलिए हम रिवीजन चल रहा है। और एक बात और बता दूं कि आपको ये जो मैं रिवीजन वाला काम करवा रही हूं, ये वाला नाउन जो कॉपी है वो ग्रामर का है, इसलिए ग्रामर की कॉपी में करोगे। इससे पहले मैंने जो नंबर और जेंडर करवाए थे वो भी तुम्हें इसमें करनी है, वो ग्रामर की कॉपी में ही करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाम क्या होता है? इसमें जितने भी वस्तुएं हम देखते हैं और एवं की जो हम नहीं देख सकते हैं वो सभी क्या है? सभी का अपना अपना नाम है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, बेंच है, टेबल है, चेयर है, चोक है, डस्टर है, फैन है, जितने भी इस पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं सभी का अपना अपना नाम है, तो वो सभी क्या है? नाम की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और अब डेफिनेशन के रूप में हम क्या रखते हैं इसे, इसकी डेफिनेशन रखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, बी एक नाम क्या है? किसी भी पर्सन मतलब व्यक्ति का, प्लेस जगह का, एनिमल पशु पक्षी और थिंग मतलब कोई भी चीज हो। ठीक है, उसके नाम को हम क्या कह देते हैं? नाम कह देते हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल कर देती हूँ इसका, एग्जाम्पल जैसे हो गया अमन। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे जयपुर, ये एक जगह का नाम हो गया, जैसे काउ, ये एनिमल का नाम हो गया, जैसे पेन, बुक। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नाम है। ओके, अब हम करते हैं काइंड ऑफ नाम। जैसे किसी नदी का नाम लिख दिया अपने, दुर्गा, दा दुर्गा।
given to person, place, or things which are of same kind. Thank you.
बचपन